जय हिंद प्यारे, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8 हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी में अध्याय 9 के प्रश्न उत्तर। हमने अपने पिछले क्लासेस में अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के प्रश्न उत्तर किए थे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसे। आशा करता हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, इस पाठ में बताया गया है कि वर्तमान में समाज में इतने अपराध बढ़ गए हैं कि किसी को भी शक, किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, सब पर शक किया जाता है। और लेखक को भी ऐसा ही लगता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदार हैं, नेक हैं, सच बतलाने वाले हैं। तो इसी के बारे में इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहता है कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, लेखक वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा कहता है। वर्तमान में आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण हो गया है कि उसे लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। इसलिए लेखक कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि लेखक को यह विश्वास है कि दुनिया में अब भी बहुत से लोग ईमानदार और नेक हैं जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। इसलिए लेखक को लगता है कि वह निराश नहीं है, फिर भी वह खुश हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी? तो इसमें लिखेंगे, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले लोग श्रमजीवी पिस रहे हैं, तथा झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ये आपको लिखना है बच्चा। आप लोग में जितने भी बच्चे नए हो आए हो भारतवर्ष क्लासेस पे, वो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि जितने बच्चे पुराने पिछले वीडियो को देख रहे हैं, वैसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए करेंगे। आप एक सपोर्ट की आवश्यकता है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, किन बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं? तो इसके आंसर में लिखेंगे, समाज में बढ़ रहे अपराधों के कारण लेखक को ऐसा लगता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं। ये आपको लिखना है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। पांचवा प्रश्न कहता है, किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे लेखक को पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। तो इसमें लिखेंगे, एक बार लेखक रेलगाड़ी का टिकट लेते समय गलती से 10 के बदले 100 का टिकट दे दिया, यानी 10 रुपये के बदले 100 रुपये दे दिए थे, और रेलगाड़ी में अपने सीट में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू उसके सामने उपस्थित हुए, उनके हाथ में 90 रुपये थमाते हुए कहा कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, दोनों से गलती हो गई। अब लेखक को ऐसा लगता है कि वास्तव में दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये आप लोग लिखोगे। छठा प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? तो लिखेंगे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, परंतु ऐसी स्थिति में भी प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, मेरी
आस्था और मेरा विश्वास सदा तुम पर बना रहे। ठीक है, ये कबीरवर रविंद्रनाथ ठाकुर अपने प्रार्थना गीत में कहते हैं। तो बताइए, आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, और भारतवर्ष क्लासेस में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।